नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत का अंधेरा छटता नजर आ रहा है। सरकार बनने जा रही है, कयासों पर विराम लग गया है। जैसा कि पिछले काफी दिनों से सरकार बनाने को लेकर अनुमान लगाए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार महाराष्ट्र में बनाएगी, ठीक उसी तरह से इन कयासों पर विराम लग गया है और तीनों ही दल मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बात तय हो चुकी है। शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार में सरकार बनाने को लेकर कल ऐलान कर सकती है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के विधायकों से भी मुलाकात की और राज्य में राजनीतिक हालत के बारे में उनसे चर्चा की कि राज्यपाल के पास कब जाना है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन सरकार के स्वरूप को लेकर अंतिम फैसला बहरहाल शनिवार के लिए टल गया। मुंबई के नेहरू सेंटर में तीनों पार्टी के नेताओं की करीब 2 घंटे बैठक चली। बैठक में सीएम पद को लेकर आम सहमति बन गई है, जिसमें उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमत हुई है और उनके नाम पर मोहर लग गई है। बैठक के बाद बाहर आकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने साफ कहा कि जहां तक मुख्यमंत्री की बात, उस पर कोई दो राय नहीं, उद्धव ठाकरे को ही सरकार को लीड करना चाहिए। उन्होंने बताया कि शनिवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक ऐलान किया जाए। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। नमस्कार।